दोस्तों कंप्लेन था कि डक्टेबल एसी है, डक्टेबल एसी कूलिंग नहीं कर रहा है। जब मैं आया तो आप देख सकते हैं इसका जो फिल्टर है फुल ब्लॉक है, फुल ब्लॉक है, जिसकी वजह से कूलिंग नहीं हो रहा था। और भी रीज़न हो सकते हैं, अभी आउटडोर पे जाके चेक करना है कि आउटडोर में भी अगर ऐसे ही मिट्टी होगा तो कूलिंग नहीं होगा, गैस कम होगा तो कूलिंग नहीं होगा। तो अभी आउटडोर में भी जाके चेक करना है, पहले मैं इसको क्लीन कर दूं, इसको क्लीन करने के बाद उसके बाद मैं आउटडोर चेक करता हूं। दोस्तों मैं आउटडोर के पास आ गया हूं, एसी फ़िलहाल चालू है। सबसे पहले मैं चार्जिंग लाइन लगाया, चार्जिंग लाइन लगाने के बाद आप देख सकते हैं 70 के आसपास गैस है, 70 के आसपास गैस है, यानी गैस हमारे एकदम परफेक्ट है। और ये 13 एम्पियर का मशीन है, 13 एम्पियर का मशीन है, यानी ये 13 एम्पियर और मतलब ले रहा है 13 एम्पियर से, कभी थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, कभी थोड़ा कम आ रहा है, यानी 13 एम्पियर का मशीन है, तो एम्पियर भी एकदम परफेक्ट ले रहा है दोस्तों। यानी ये एसी का फिल्टर का ही प्रॉब्लम था। इसका मैं आपको कंडेंसर कॉइल दिखा देता हूँ, कंडेंसर कॉइल भी एकदम क्लीन है, एकदम क्लीन है। यानी जो भी प्रॉब्लम था इसका फिल्टर का प्रॉब्लम था दोस्तों। अगर एसी कूलिंग नहीं कर रहा है और या तो कूलिंग कर रहा है तो बहुत कम कर रहा है, तो अगर एसी आपका कूलिंग करता है और कम करता है तो 80% चांस होता है मेंटेनेंस का, यानी सर्विस का। अगर उसका आप अच्छे से फिल्टर क्लीन कर देंगे, आउटडोर का कंडेंसर कॉइल क्लीन कर देंगे, या थोड़ा बहुत गैस का भी हो सकता है, तो अगर आप गैस चेक कर लिए, आपका एसी सर्विस कर दिए, तो आपका कूलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा दोस्तों। एसी जो है, एसी अगर कूलिंग नहीं करता है तो उसका कई रीज़न हो सकते हैं। एसी अगर कूलिंग नहीं हो रहा है तो बहुत सारे रीज़न है, मैं कुछ रीज़न आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका गैस अगर नहीं रहेगा तो एसी कूलिंग नहीं करेगा, या तो अगर गैस कम है तो एसी कूलिंग बहुत कम करेगा। दूसरा कंप्लेन आपका मेंटेनेंस का हो गया। अगर आपका आउटडोर कंडेंसर कॉइल डस्ट है, आपका इवेपोरेटर डस्ट है, तो उस सिचुएशन में भी आपका जो कूलिंग है बहुत कम करेगा। और उस सिचुएशन में कई बार ये होता है कि कंप्रेसर बार बार ट्रिप मारता है, जिसके वजह से कभी कूलिंग करेगा कभी नहीं करेगा। और तीसरी बात ये है दोस्तों कि अगर आपका गैस का बैक प्रेशर सही है, एम्पियर सही है, फिर भी कूलिंग नहीं हो रहा है। बहुत सारे केस में ऐसे हो जाता है कि एसी का जो बैक प्रेशर है एकदम अच्छा होता है, एम्पियर एकदम परफेक्ट लेता है, लेकिन कूलिंग अच्छे से नहीं होता है, कूलिंग करता है लेकिन बहुत कम करता है। उस सिचुएशन में दोस्तों आपका कैपलरी है वो चोक हो सकता है। अगर आप कैपलरी निकाल के दूसरा कैपलरी डाल देंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि आपका सब कुछ सही है, आपका बैक प्रेशर ज़्यादा जा रहा है, यानी आप गैस तो डालते हैं, गैस थोड़ा सा ही डालते हैं तो आपका एम्पियर ज़्यादा चला जाता है, या तो बैक प्रेशर कभी ज़्यादा चला जाता है। और कई बार क्या होता है कि आप गैस डालते हैं, गैस जाता भी नहीं है और एम्पियर ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उस सिचुएशन में भी आपका कैपलरी का प्रॉब्लम हो सकता है। और साथ साथ उसमें अगर ड्रायर फिल्टर लगा हुआ है, आप ये जो देख रहे हैं ये ड्रायर फिल्टर है, ये भी अंदर से कई बार ब्लॉक हो जाता है, मतलब अंदर से एयर जो गैस पास होता है बहुत धीरे धीरे गैस पास होगा, इसके वजह से कंप्रेसर पर लोड आएगा, और जब कंप्रेसर पर लोड आएगा तो आपका जो एम्पियर है एकदम हाई हो जाएगा और कंप्रेसर वो भी ट्रिप मारेगा। और कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम गैस डालते हैं और गैस जाता ही नहीं है एसी में, गैस तो हम चार्ज करते हैं और गैस चार्ज नहीं हो पाता है। उस सिचुएशन में आपको इवेपोरेटर देखना है, अगर डस्ट होगा इवेपोरेटर एकदम, इवेपोरेटर जो है एकदम मतलब डस्ट होगा, मिट्टी होगा, तो आपका गैस नहीं चढ़ेगा। उस सिचुएशन में आपको उस एसी को सर्विस करना पड़ेगा, या तो आपका इवेपोरेटर में आइस बना हुआ है उस सिचुएशन में भी गैस नहीं चढ़ेगा, या तो आपका इंडोर का मोटर नहीं चल रहा है, ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा है, केवल आउटडोर चल रहा है, तो उस सिचुएशन में भी गैस नहीं चढ़ेगा। अगर कूलिंग ना होने का और भी कुछ रीज़न है, कैपेसिटर ख़राब हो सकता है,
कॉन्टेक्टर ख़राब हो सकता है, आपका आउटडोर या इनडोर का फैन स्पीड कम हो सकता है, आपका कैपेसिटर कई बार क्या होता है काम करता है, मतलब अच्छे कंडीशन में रहता है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से कुछ डिफॉल्ट आ जाता है जिसके वजह से फैन मोटर में प्रॉब्लम आ जाती है, वो मतलब बहुत स्लो स्लो आउटडोर का फैन मोटर घूमने लगता है। इंडोर का भी सेम है, इंडोर का भी स्लो घूमना चालू कर देगा तो आइस बनना चालू हो जाएगा और कूलिंग नहीं होगा। तो यही सारी चीज़ है, एसी अगर कूलिंग नहीं कर रहा तो यही सारी चीज़ है जिसके वजह से आप पता कर सकते हैं, अगर वन बाई वन चेक करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। में काम करेंगे तो आपको एक 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 चीज़ ऐसा पॉइंट मिलता जाएगा जो आप सोचेंगे ये तो मैंने यूट्यूब में सुना ही नहीं है, ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है, चाहे ये चीज़ हमने कहीं देखा ही नहीं है, वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा एसी में तो वैसे वैसे आपके साथ ऐसे ऐसी बीमारियाँ आती रहेंगी जो आपने कभी ना देखा होगा ना सुना होगा, या तो कहीं सर्च भी करेंगे तो वो मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों यही है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था, जो था मैं आपको बता दिया, बस युवा ऑपरेटर इसका थोड़ा डस्ट था और फिल्टर पूरा गंदा हुआ था जिसकी वजह से कूलिंग नहीं हो रहा था। आप देख सकते हैं इसका कंडेंसर कॉइल एकदम बिल्कुल क्लीन है। दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं रोज़ नए नए वीडियो लेके आता रहता हूँ, और हो सकता है कोई वीडियो आपके काम का हो और उस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ नॉलेज मिल जाए। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।